हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे पियानो क्लास में। तो आज का हमारा लेसन आज हम करने वाले हैं चिट्ठी ना कोई संदेश। जगजीत सिंह जी का है ये, बहुत प्यारा गाना, बहुत प्यारा ही प्यारी गज़ल है। तो इस पे आज हम करने वाले हैं, इसकी रिक्वेस्ट भी आई थी। तो दोनों हाथों से करेंगे, लेफ्ट हैंड कॉर्ड पैटर्न और जो भी कॉर्ड्स है, राइट हैंड मेलोडी जिस तरीके से होगा। तो एफ माइनर स्केल पे करेंगे हम, ठीक है। राइट हैंड की मेलोडी पे हम वर्क करेंगे, बट थोड़ा जैसे कि हमेशा बोला है, मेन हमारा बेसिकली दोनों हाथों के कोऑर्डिनेशन पे रहता है, लेफ्ट और राइट पे। बट थोड़ा बहुत करते रहेंगे, थोड़ा बहुत आप प्लीज थोड़ा अपने हिसाब से भी ट्राई करो, मेरी यही एक सजेशन है। खुद से ट्राई करेंगे तो उसका हमारे लिए फ्यूचर में हमारे लिए कोई बढ़िया रहेगा कि हम कर पाए, ताकि हियरिंग पावर आपकी इंक्रीज हो, जो सुर की नॉलेज है, हियरिंग पावर जिसको कहते हैं, वो इंक्रीज हो आपकी, ठीक है। तो एफ माइनर पे कर रहे हैं, कॉर्ड जो लग रही है एफ माइनर, डी शार्प मेजर, सारी ज्यादातर फैमिली कॉर्ड्स ही हैं, सी शार्प मेजर, सी मेजर भी लेंगे, बी फ्लैट माइनर, अभी यही नॉर्मल, बेसिकली ज्यादा कुछ नहीं है। तो बाकी साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। तो अब देखो एक बार, कैमरा मैंने ऊपर से रखा है। हाँ, तो ये एफ माइनर कॉर्ड है, ठीक है, ये एफ माइनर कॉर्ड होती है, थोड़ा से समय एफ माइनर, ये सी मेजर है, ठीक है, थोड़ा इधर से सी मेजर। तो देखो जरा, पैटर्न्स के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, जैसे कि हम जो पहले डिस्कस कर चुके हैं वो सारे पैटर्न्स आपको पता होने चाहिए, 1 5 8, 1 5 8 5, 1 3 5, सारी चीजें, क्योंकि बार बार हम पूरा डेप्थ में नहीं जा सकते। तो देखो, पहली लाइन तो ये है, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने है वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। तो एफ माइनर और सी मेजर का पैटर्न चलेगा शुरू में, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, सॉरी बीच में जो मैं इसलिए बता रहा हूँ, एक बेसिक टू एडवांस लेवल की मैंने एक नई प्लेलिस्ट बना दी है चैनल पर, नई प्लेलिस्ट है, एक दो दिन पहले बनाई है, बेसिक टू एडवांस, वो भी फॉलो कर सकते हो आप, ठीक है। तो देखो, एफ माइनर और सी मेजर का प्रोग्रेशन जो चलेगा, लेफ्ट हैंड पैटर्न है 1 5 8 3 5, या जरूरी नहीं है पूरा लेने का, हम 1 5 8 पे भी चाहे तो कर सकते हैं। तो देखो एक बार, एफ माइनर पे मैंने 1 5 8 यूज करा, सी मेजर पे 1 5 8 3 5। अब लोग सोचेंगे, पूछेंगे कि भाई क्यों नहीं करा हमने एफ माइनर पे 1 5 8 3 5। भाई मर्जी, जैसा मेरे को अच्छा लगा वैसा करा, तो कोई पाबंदी नहीं है, कोई रूल नहीं होता म्यूजिक में कि ऐसा करना है तो इस पे ऐसा करो, जैसा दिल को अच्छा लग रहा है वैसा करो, सीधा मेरा तो ये एक आंसर होता है भाई, जैसा सुनने में अच्छा लग रहा है वो करो बस। ठीक है, इतना हो गया, अभी हम अब आगे बढ़ेंगे। अब दोबारा, अब ये पैटर्न समझाता हूं, एफ माइनर और बी फ्लैट माइनर कॉर्ड समझ लो पहले, दा रा 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 दा रा रा, एक सेकंड, ठीक है, दा रा 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 एफ माइनर, बी फ्लैट माइनर, डी शार्प मेजर, थोड़े इधर से बताऊं क्या, एक सेकेंड, कैमरे में कितना आ रहा है, एफ माइनर, बी फ्लैट माइनर, डी शार्प मेजर, सी शार्प मेजर और सी मेजर। दोबारा बता रहा हूं, एफ माइनर, बी फ्लैट माइनर, डी शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, सी मेजर, लिखते रहो इस लाइन पे, ये वाला पैटर्न लिखेगा, लिखते रहो, कहीं नोट डाउन करो वरना कंफ्यूजन हो जाएगी।
ऐसा पैटर्न यहाँ चलेगा, ना 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 इतना तो आपने देख लिया। देखो खुद से ट्राई करके आएगा यार, देखो मैं कितना भी करवा लूँ लेकिन कुछ चीज़ें वो भाई खुद से ही आ सकती हैं, पॉसिबल ही नहीं है एक एक नोट एक एक चीज़ कोऑर्डिनेशन बताते हुए आपको अलग अलग स्टाइल्स के एरपीजियो। मेरा तो मेन काम है यार देखो गाइडेंस देना, आपको एक थोड़ा राह दिखाना, लेकिन मेन आपकी प्रैक्टिस है और एक्सपेरिमेंट जो मैंने हमेशा बोला है। जैसे मैं 158 35 ले रहा हूँ, आप कोई और डिफरेंट पैटर्न ट्राई करो, आप जरूरी नहीं है कॉपी करो, चेंज भी करो, मैंने हमेशा से बोला है चाहे कॉपी भी कर लो लेकिन भाई खुद की चीज़ें भी बनाना, क्या पता आप मेरे से बढ़िया बजाओ, ऐसा हो सकता है आपको कोई मेरे से बढ़िया चीज़ मिल जाए, तो वो ट्राई करना पड़ेगा, इसका यही सॉल्यूशन होता है, हमें ट्राई कर करके देखना है बस। ठीक है तो इतना हो गया। ठीक है तो शुरू में जो हमने यूज़ करा था वह एफ माइनर सी मेजर, एफ माइनर सी मेजर पे ही चल रहा था, उसके बाद हमने जो आगे आया था एफ माइनर बी फ्लैट माइनर यूज़ करा था, फिर डी शार्प मेजर सी शार्प मेजर सी मेजर, फिर एफ माइनर पे आ गए। अब आगे देखते हैं हम, वो एक आहा भरी होगी वो जो लाइन है, एक आहा भरी होगी वो वाली लाइन देखेंगे हम अभी, एक सेकेंड। यहाँ कॉर्ड पैटर्न है एक एफ माइनर डी शार्प मेजर सी शार्प मेजर सी मेजर एफ माइनर। मैं इसलिए बीच बीच में जब गाता हूँ ना, ऐसी बात नहीं कि मैं फालतू में शुरू कर देता हूँ गाना, इसका एक रीजन है भाई, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज पता लग सकती है इससे जो है कि हाँ कौन सा पैटर्न वहां पे जो है यूज कर रहे हैं और मैं क्या फील से उसको जनरेट कर रहा हूँ पैटर्न, क्योंकि ऐसा नहीं है कि और पैटर्न नहीं लग सकते, और भी लग सकते हैं, लेकिन मैं जो फील महसूस कर रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी कोई ना कोई ऐसी चीज महसूस करना सीखो और उस हिसाब से कॉर्ड पैटर्न बनाओ। अभी मैंने जो एफ माइनर के बाद सी मेजर ली है, मैंने एक अलग से एक्स्ट्रा कॉर्ड ली है, चाहो तो ले सकते हो, मेरे को थोड़ा पसंद है, कुछ इम्प्रोवाइज करना वो अच्छा लगता है मेरे को। देखो यार कॉर्ड सारी रट लो, मेजर माइनर जो कॉर्ड्स हैं वो अच्छे से रट लो कि आपको देखते ही पता लग जाए कि मैं कौन सी कॉर्ड प्ले कर रहा हूँ, वरना जो है आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मेजर माइनर कॉर्ड्स की भी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, सारी कॉर्ड आपको देखते ही पता लग जानी, जैसे एफ माइनर है, ये सी मेजर सी शार्प मेजर, सारी कॉर्ड आपको जो है देखते ही पता लग जाए तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा आपको ये देखने में। ठीक है तो पैटर्न हो गया, लेकिन हम इसको और भी बहुत तरीके से प्ले कर सकते हैं। ठीक है देखो जैसे ये एफ एफ माइनर का पैटर्न है या डी शार्प मेजर और सी शार्प मेजर सी मेजर, जिस तरीके से मैं ले रहा हूँ तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न हम यूज कर सकते हैं। ये सेम है।
में सी मेजर का रिपीट हो रहा था ये पैटर, सेम चलता रहेगा। तो इसी तरीके से, ज्यादा कॉर्ड नहीं है तो थोड़ा इसी तरीके से है। क्या था गाना, तो इस तरीके से था। ये एफ माइनर स्केल पे था तो भी नॉर्मल कॉर्ड ही है, डी शार्प मेजर, सी शार्प मेजर, सी मेजर, बी फ्लैट माइनर, नॉर्मल फैमिली कॉर्ड्स ही, ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। तो इसी तरीके से था। आप जो है ट्राई करना, जितना मतलब मेरे को आता था, जितना मेरे को मतलब समझ आया, वो मैंने थोड़ा लेसन बना दिया। बाकी खुद से आप और इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना और खुद से करोगे ट्राई, उतना बढ़िया होता रहेगा। आपको एक्सपेरिमेंट कर करके देखना होगा, राइट हैंड के नोट्स, लेफ्ट हैंड की मेलोडी, सॉरी राइट हैंड के नोट्स, लेफ्ट हैंड की जो भी कॉर्ड्स पैटर्न और किस तरीके से हो रहा है, आप कुछ डिफरेंट भी अपना ट्राई कर सकते हो। मेरे तो देखो ट्यूटोरियल बनाने का मोटिव होता है एक रेफरेंस देना, ठीक है, बस इससे आपको एक आइडिया पड़ सकता है, लेकिन आपको करके खुद ही देखना पड़ेगा। हो सकता है मुझसे भी और अच्छा बजा पाओ, आपको बस नई नई चीज़ें ट्राई करके देखनी है। पहले राइट हैंड की मेलोडी निकाल लेना अलग से, फिर लेफ्ट हैंड की कॉर्ड पैटर्न निकालना और थोड़ा गाकर भी देख लेना। उससे क्या होता है कि कई बार हमारे को टाइमिंग, एक बार टाइमिंग मैच कर लो दोनों हाथों की, कि कॉर्ड चेंज कहाँ पर होगी, बहुत लोगों को यही नहीं समझ आता। पहले वो करो, जब हो जाए थोड़ा बहुत तो एक एक दो दो लाइन करके बजाना आराम आराम से, ठीक है। वीडियो को स्लो मोशन में करके देख सकते हो, थोड़ा यूट्यूब एप्लीकेशन पर ऑप्शन होता है, या वीडियो को बिल्कुल स्लो कर लो, थोड़ा पीछे कर करके देख लो बार बार, ठीक है। तो ये बस यही है जो भी कॉर्ड, ये जैसे सी मेजर एरपीजियो थी, सी मेजर एरपीजियो, तो इतना हो जाना चाहिए कि आपको देखते ही कॉर्ड पता लग जाए दूर से कि एफ माइनर है ये, इतना आइडिया मतलब एक हो जाए। फिर ये जैसे मैंने बताया डी शार्प मेजर, एक आइडिया हो जाए कि हाँ यार इसके बड़ी डी शार्प मेजर ही होगी, मतलब इतने फैमिलियर बन जाओ इस इंस्ट्रूमेंट के। मेरा कहने का ये मतलब है कि चाहे एग्जैक्टली नोट या की ना दिखे तो भी एक फैमिलियर होता है ना, आप चीज़ से फैमिलियर हो जाओ, वो बहुत ईजी रहेगा आगे। तो बस यही था, बाकी और भी मैं ट्राई करता रहूँगा, जितना मेरे को आता है मैं अपनी तरफ से ट्राई करूँगा लेसन बनाने के लिए। आप किसी भी टाइप का सजेशन देना चाहते हो मेरे को, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या यूट्यूब पे कमेंट करके। तो बस मैं इसी तरह जो भी है जितना मैं अपनी तरफ से सिखाता रहूँगा, आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस करते रहो और अपना ख्याल रखो, मैं भी रखता हूँ। मिलते फिर अपनी अगली क्लास में।